सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में स्कूटी से भागते नजर आया छात्र, घायल छात्र की स्थिति बताई जा रही है स्थिर। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि स्कूली छात्रों में हुई चाकूबाजी का ये पूरा मामला है। बकायदा इसको लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। आपको बता दें सीसीटीवी में स्कूटी से भागते नजर आए हैं छात्र। तो फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जब सीसीटीवी में चाकूबाजी की घटना के बाद का मामला सामने आया है। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे। कमलेश, ये जो मामला स्कूली छात्रों में चाकूबाजी का आया है, ये सीसीटीवी भी आया है, बताइए जरा क्या ये पूरा माजरा है? जी देखिए, बिल्कुल, जो कल उदयपुर में छात्र चाकूबाजी का मामला हुआ उसमें एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें जब आरोपी ने जो वारदात की चाकू से हमला किया। ठीक है कमलेश, छात्रों के बीच बताया जा रहा है कि चाकूबाजी हुई है। आरोपी छात्र के घर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। मकान के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जो है वो चस्पा किया गया। दीवानशाह कॉलोनी में ये घर जो है, ये बताया जा रहा है कि ये दीवानशाह कॉलोनी का है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों के बीच जो है चाकूबाजी हुई थी और इस दौरान हालात वहां पर बेकाबू हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मकान के दस्तावेज पेश करने के लिए इस दौरान नोटिस जो है वो प्रशासन की तरफ से चस्पा किया गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। साथ ही साथ ये भी मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो उदयपुर में इस वक्त हालात जो हैं वो बेकाबू हैं और यही वजह है, बता दें कि पुलिस जो है चौकस दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीवानशाह कॉलोनी में जो घर है वहाँ पर बताया जा रहा है कि नोटिस चस्पा किया गया है और जो मकान के दस्तावेज हैं वो पेश करने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है। चाकूबाजी का मामला जो हुआ था बीते दिन, उसी से जुड़ी यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें आरोपी छात्र के घर जो है अब निगम ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि दस्तावेज पेश करने की बात जो है निगम के द्वारा कही गई है, उन्होंने एक बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों से दूर रहें और त्योहारी मौसम में जो शांतिपूर्ण माहौल जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, और अगर कोई व्यक्ति इसे संलिप्त पाया जाता है माहौल बिगाड़ने के लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर आरोपी छात्र के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि जो मकान के दस्तावेज़ हैं वो पेश करें, और अगर दस्तावेज़ वो लोग नहीं पेश कर पाते तो उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर स्कूली छात्रों के बीच बताते हुए चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद माहौल जो है वो इलाके में अभी तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस ने नज़र बनाए रखी है पूरे इलाके में, लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसमें किसी तरीके की भी शांति व्यवस्था में हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दीवानशाह कॉलोनी में आरोपी छात्र का जो मकान है बताया जा रहा है वो है, और दस्तावेज पेश करने के लिए इसी दौरान निगम की तरफ से कहा गया है। आरोपी छात्र के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उदयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर चाकूबाजी के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या गुजारिश की गई है, अपील क्या की जा रही है। मैं
बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्यौहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नज़र में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व्स हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से। बच्चों का झगड़ा, सुलगा उदयपुर, इंटरनेट बंद, धारा 163 लागू, स्कूल कॉलेज की छुट्टी, पुलिस मुस्तैद। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट्स के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया है। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज की। 144 इम्पोज करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे की हुई। यह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल घटित यानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल स्टूडेंट को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? लंच पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग धर्म के हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथी पोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन पुलिस तैनात है। जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर पहुंची हैं। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। आज से आगामी आदेश तक सभी शिक्षण संस्थानें बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी है और अब पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। दोनों नाबालिग की उम्र करीब 15 साल की है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सहपाठियों ने लड़ाई की असली वजह बताई है। साथ में पढ़ने वाले छात्र ही घायल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। गाली गलौज से शुरू हुए मामले ने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल छात्र की स्थिति स्थिर है, तो वहीं शहर भर में पुलिस तैनात है। उदयपुर